हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है, अपना मोबाइल का जो रिफ्रेश रेट है उसको कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे घटा सकते हो। रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट होता है आप जब अपना स्क्रीन पे जब स्क्रॉल करते हो या कोई ऐप्स ऑन करते हो, आप बहुत ही स्मूथ काम करता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत स्मूथ इजी बहुत काम करता है। तो उस रिफ्रेश रेट को बढ़ाने के लिए आपको कौन सा सेटिंग पे जाना है, क्या करना है, आज स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना जो मोबाइल है उस मोबाइल पे सेटिंग है उस सेटिंग को ऑन करना है। जैसे ही सेटिंग को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो मोर ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन है, स्क्रीन कलर मोड और स्क्रीन रिफ्रेश रेट मोड और डिस्प्ले मोड। तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑटो सिलेक्ट है। तो यहाँ पे 90 हर्ट्ज कर दूंगा। 90 हर्ट्ज करने से आपका क्या होगा, अल्ट्रा स्मूथ काम करेगा, बहुत इजी फर्स्ट काम करता है जब गेम टेम खेलते हो तो बहुत। और यहाँ पे 60 हर्ट्ज काम क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा पावर कंज्यूम बहुत कम करता है 60 हर्ट्ज में, तो मोबाइल स्मूथ चलता है। तो फर्स्ट चलने के लिए आपको 90 हर्ट्ज करना पड़ेगा, 120 हर्ट्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना स्मूथ इजी काम करता है। जब कोई आप ऐप्स ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो बहुत फर्स्ट काम करता है। तो आई होप आपको पता चला अपना मोबाइल पे रिफ्रेश रेट कैसे बढ़ा सकते हो और घटा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।